हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम रिकमेंडेशन है ऋत्विक गर्ग जी की। उन्होंने मुझसे अभी जो दिल्ली ओपन टूर्नामेंट हुआ है उसकी गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था। अर्जुन इरगियासी ने वैसे ये टूर्नामेंट जीता था, और अर्जुन इरगियासी की सेकेंड राउंड की गेम जो कि कार्तिकेयन पांड्यन के साथ उन्होंने खेली थी। मैं डायरेक्टली यहाँ इस गेम को शुरू करता हूँ और बोर्ड को करता हूँ पहले रीशफल, क्योंकि यहाँ अर्जुन ने खेला था E4 व्हाइट पीसेस के साथ। सिसिलियन डिफेंस यहाँ कार्तिकेयन ने खेला, सिसिलियन डिफेंस से यहाँ गेम शुरू हो गई। देन हुआ Nf3, तो हुआ E6 D4, Cxd4, Nx d4, Nc6, तो Nc3 व्हाइट का मूव आया, क्वीन गई C7 स्क्वायर पर, देन हुआ G3, A6 बिशप G2 स्क्वायर पर, Nf6, और इसके बाद यहाँ अर्जुन ने कैसल किया, Nx d4, Qxd4, देन Bc5 डायरेक्टली क्वीन पर अटैक। तो अर्जुन ने यहाँ अपनी क्वीन को न बचाकर ब्लैक की क्वीन पर अटैक बनाया अपने बिशप से, उसको E4 स्क्वायर पर ले जाकर। D6 बिशप बची ब्लैक ने यहाँ, तो क्वीन को बचाया अर्जुन ने D2 स्क्वायर पर। H6, देन हुआ रुकटे गोज टू D1, E5 बिशप पर अटैक, बिशप I3 स्क्वायर पर, तो बिशप B4, और यहाँ ब्लैक की तैयारी है कुछ डैमेज करने की C3 स्क्वायर पर। A3 बिशप को हटाना पड़ेगा, बिशप टेक C3, क्वीन टेक C3, क्वीन टेक C3, बी टेक C3, और यहाँ सी फाइल में एक वीकनेस, पॉन्स डबल हो चुके हैं, लेकिन बिशप E6 तो रुक टेक D6। और फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर आई थिंक ब्लैक रुक को C8 स्क्वायर पर लाकर यहाँ गेम में कुछ इंटरेस्टिंग कर सकता था, लेकिन Nd7 के ऑप्शन को ब्लैक ने चुना। आखिर ये नाइट जाएगा कहाँ? ब्लैक के साथ यही नाइट काफी देर तक प्रॉब्लम में रहने वाला है। खैर, मूव आया F4 का, तो किंग आया E7 स्क्वायर पर, रुक पर अटैक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रुक की बैटरी भी तैयार हो सकती है, लेकिन हुआ Ft c5। और फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर अगर ब्लैक Nxe5 के ऑप्शन को ऑप्ट करता है, तो व्हाइट एक डेंजरस पोजिशन अचीव कर लेगा मेरी नज़र में। वो यहाँ अपने रुक को B6 स्क्वायर पर ले जाकर काफी अच्छा खासा गेम में प्रेशर बना सकता है। आप कहेंगे कि रुक का डिफेंस आएगा, तो उसके लिए बिशप है प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए, इस नाइट को पिन कर देगा। खैर, यहाँ इस गेम में खेला गया था रुक अटैक गोज टू C8, और अब कहीं जाकर C3 पॉन पर अटैक बनाया, प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि बिशप के लिए सही स्क्वायर अवेलेबल है D4, बिशप D4 स्क्वायर पर गया, देन रुक C7, रुक B1 प्रेशर बनेगा, नहीं बन पाएगा क्योंकि रुक अटैक गोज टू C8, देन किंग आया F2 स्क्वायर पर, रुक F8, किंग E3, रुक अटैक गोज टू C8, देन रुक किंग D2, बिशप A2, रुक पर अटैक था, रुक गया B2 स्क्वायर पर, बिशप E6, देन A4। दिखने में ऐसा लगता है कि दोनों ही खिलाड़ियों के पास बहुत अच्छी अवेलेबल ऑप्शंस नहीं है। किंग E8, देन बिशप F1, किंग E7, थोड़े वेटिंग मूव्स, या मैं कहूंगा पीसेस को रीशफल करने की तैयारी हो रही है। व्हाइट के पास स्पेस बहुत ज्यादा है, तो व्हाइट ज्यादा इस गेम में एडजस्ट कर सकता है, अपनी पोजिशन को और ज्यादा इंप्रूव कर सकता है। A5, देन अब क्या किया जाए? आई थिंक ब्लैक को F6 की ऑप्शन कंसिडर कर लेनी चाहिए थी, उसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रेशर तो बनता है। देखिए, रुक यहाँ किंग के अंडर थ्रेट रहता, नाइट बिशप ठीक है, प्रॉब्लम्स 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 थी यहाँ पर। खैर, किंग गया E8 स्क्वायर पर, देन बिशप D3, किंग E7, देन किंग E3, किंग E8, ब्लैक बिल्कुल आउट ऑफ मूव्स हो चुका है। C4, रुक आया A8 स्क्वायर पर, रुक B4, रुक C8, रुक H4, और अभी तक भी ब्लैक के पास कुछ ऑप्शंस नहीं है। ब्लैक के पास सर्टनली एक ऑप्शन तो मेरी नज़र में थी, वो यहाँ अपने नाइट को मैन्यूवर कर सकते थे। नाइट B8 स्क्वायर पर जाता, और उसके बाद नाइट C6 स्क्वायर पर रिशफल हो सकता था, लेकिन G5, दैट्स बेटर। रुक B1, और जैसे ही अर्जुन को यहाँ लगा कि ब्लैक कोशिश कर रहा है एच या जी फाइल को ओपन करने की, उन्होंने अपने रुक को एक्टिव स्क्वायर्स पर ले जाना शुरू कर दिया है। नाइट गया B8 स्क्वायर पर, फाइनली चलिए ब्लैक ने वो मूव खेल लिया है। Hxg5, Hxg5, देन रुक H1, होना ही था। किंग F8, और क्या करेगा ब्लैक? वाइट यहाँ चेक देकर, नहीं फिर तो रुक एक्सचेंज करने वाली बात हो जाएगी ना। किंग F2, देन किंग G7, बिशप आया E3 स्क्वायर पर, और पॉन पर अटैक है, लेकिन नाइट आया C6 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, थ्रेट देखिए, यहाँ A5 और इस E5 दोनों पॉन्स पर अटैक है। इट मीन्स अगर यहाँ बिशप टेक्स G5 को वाइट जाता है, तो नाइट टेक्स E5 होगा, और मेरे ख्याल से अब क्या किया जाए? बिशप से चेक दी जाएगी किंग F6, किंग को एक अच्छा आउटपोस्ट, जो व्हाइट ने जो इस गेम में ग्रिप बनवा रखी थी वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी अगर ये मूव चला जाता है, तो इसीलिए शायद है रुक को H5 स्क्वायर पर ले जाना ज्यादा सही समझा यहाँ पर। नाइट टेक्स A5, देन रुक टेक्स G5 विद चेक, किंग आया F8 स्क्वायर पर, बिशप GB6, और यहाँ इस रुक पर अटैक है। इस रुक के बचने का क्या रास्ता है?
आई थिंक सिर्फ यही एक रास्ता है, लेकिन नाइट भी तो बचाना पड़ेगा, तो नाइट भी प्रॉब्लम के साथ है। नाइट टेक्स सी फोर, बिशप टेक्स सी सेवन रुक गया, रुक टेक्स सी सेवन देन हुआ रुक डी फोर, नाइट पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, किंग आया ई सेवन स्क्वायर पर, किंग एफ थ्री, नाइट ए थ्री, ब्लैक की प्रॉब्लम ये नाइट जो कभी भी किसी अच्छे स्क्वायर पर नहीं जा पाया, रुक बी फोर देन बी फाइव, रुक बी टू तो किंग आया एफ एट स्क्वायर पर, रुक एच फाइव देन किंग आया जी सेवन स्क्वायर पर, रुक एच वन देन ए फाइव, किंग ई थ्री, रुक सी थ्री, किंग डी फोर देन बी फोर, रुक एफ वन, किंग जी सिक्स देन रुक आया एच वन स्क्वायर पर। वाकई में मूव्स के बहुत शॉर्टेज है यहाँ पर। किंग है जी सेवन स्क्वायर पर ताकि वाइट अपने रुक को एट रैंक में ना ले जाए, क्योंकि इस पॉन का डिफेंस कैसे होगा। फिर रुक एच टू देन रुक सी एट जी फोर, और फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर मेरे ख्याल से ब्लैक के पास एक ऑप्शन थी जिससे वो इस गेम में एक्टिव गेम प्ले कर सकता है, वो था नाइट को सी फोर स्क्वायर पर लेकर जाना। यहाँ से अगर वाइट ऑप्ट करता है मिडिल एक्शंस करना, बिशप टेक सी फोर जैसा कोई मूव होता है, तो रुक टेक सी फोर विद चेक होगा, किंग ई थ्री स्क्वायर पर जाएगा और ब्लैक के पीसेज थोड़े से एक्टिव, ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि यहाँ ए पॉन को आगे पुश करने के बाद ब्लैक की पोजीशन और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि यहाँ फिर कुछ इस तरह की गेम खेली जा सकती है। खैर गेम पर चलते हैं, गेम में यहाँ हुआ था किंग जी सिक्स, क्योंकि जी सिक्स स्क्वायर पर आने के बाद हुआ जी फाइव, और जी फाइव थोड़ा सा सरप्राइजिंग है, पॉन सेक्रीफाइस है, क्यों है, गेम को जीतने के लिए और कोई वजह है ही नहीं, कौन सा डिवाइस की। खैर रुक सी थ्री देन रुक एच एट स्क्वायर पर फाइनली रुक एट रैंक में पहुंच ही गया है, और फ्रेंड्स यहां पर किंग टेक जी फाइव कर लेना चाहिए था, जरूरी था शायद इसका करने के लिए, ताकि ब्लैक यहाँ गेम में फाइट बना रहता, लेकिन नाइट सी फोर काफ़ी देरी हो चुकी है, और फ्रेंड्स यहाँ अब क्या होता है, रुक बी थ्री ये भी एक वाइट के पास ऑप्शन थी, रुक टेक्स बी थ्री, लेकिन उसके बाद ब्लैक यहाँ अपने नाइट को डी टू स्क्वायर पर ले जाकर पॉन पर अटैक बना सकता था। खैर फ्रेंड्स काफ़ी वीक मूव होता वो, तो रुक बी वन यहाँ वाइट ने आउट किया, देन हुआ नाइट डी टू, नाइट का डी टू स्क्वायर पर जाना क्या दिखाता है, एक चेक और वो भी कुछ इस तरह की, चलिए देखते हैं। रुक एट बी गोज टू एच वन, रुक्स की बैटरी, और क्या ये गेम यहाँ से चेकमेट ऑलमोस्ट हो सकती है, किंग टेक जी फाइव कर लिया है, देन रुक जी एट चेक और किंग गया एफ फोर स्क्वायर पर, वो स्क्वायर अवेलेबल था, देन हुआ रुक एच फोर चेक, किंग गया एफ थ्री स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स रुक एच टू, और रुक एच टू स्क्वायर पर आने के बाद आपने देखिए कि क्या ब्लैक का किंग स्टेलमेटेड कंडीशन पर है, नहीं, क्योंकि एफ फोर स्क्वायर उसके लिए अवेलेबल है यहाँ इस पॉइंट पर, तो क्या किया जाए। आई थिंक रुक टेक्स डी थ्री कर देना चाहिए था, किंग टेक्स डी थ्री होता और फर्दर इस गेम को खेला जा सकता था, नाइट टेक्स सी फोर या जो भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पर ब्लैक जैसे ही अपने नाइट को सी फोर स्क्वायर पर ले गया, उसके लिए मुसीबतें यानी कि प्रेशर थोड़ा रिलीज हो गया, क्योंकि यहाँ इस मूव के बाद ब्लैक को रिजाइन करना पड़ गया। वाइट का फाइनल मूव था बिशप ई टू चेक, और प्रेशर इसलिए रिलीज हुआ कि फाइनली इतनी टॉर्चर भरी गेम यहाँ कार्तिकेयन के लिए खत्म हुई, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ से रेजिग्नेशन का रीजन क्या है, इस गेम को यहाँ से आगे बढ़ाएंगे तो किंग के जाने के लिए कौन सा स्क्वायर अवेलेबल है, जस्ट ओनली दिस वन, तो किंग एफ जाएगा एफ फोर स्क्वायर पर, लेकिन उसके बाद होगा रुक एच फोर चेक, और ये एक बहुत ही शानदार चेक मेट होगी। तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी गेम थी जो ऋत्विक गर्ग जी ने हम सभी लोगों को बताई, मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी लोगों को ये गेम जरूर पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।